हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं बिना तले कम तेल से बनने वाली पोहा की बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पोहा। तो आप पैकेट वाला या खुला वाला कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। तो मैंने उसी कप से मेज़रमेंट करके 1/2 कप सूजी डाली है। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करके इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो हमने इसको एकदम बारीक पीस लिया है और आप देख सकते हैं जो पोहा था सूजी के साथ एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है। दोनों ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और एकदम रवेदार पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे सूजी होती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही पाउडर बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। अगर दही बहुत खट्टी है तब आप 1/4 कप ही लीजिएगा। और 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी। साथ में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल। तेल डालने से हम जो नाश्ता बनाने वाले हैं ना, उसमें मॉइस्चर रहेगा और वो नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, यानी कि सूखा सूखा सा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मत डालिएगा। तो चलिए हम सभी चीज़ों को अच्छे से विस्कर की या चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो पाउडर बना करके रखा हुआ था पोहा वाला, इस पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इकट्ठा बिल्कुल मत डालना, वरना थोड़े से लम्स पड़ जाते हैं तो बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा डाल करके इसको अच्छे से बैटर बना लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ ना, ये बैटर थिक हो गया है, क्योंकि पोहा था इसने पानी को एब्जॉर्ब किया तो ये थिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कम से कम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि पोहा खूब अच्छे से फूल जाए और इसे जितना ड्राई होना होगा ये हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो बैटर था एकदम थिक हो गया है, ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट हो गया है मक्खन की तरह। जब आप इसको छुएंगे ना तो एकदम नरम नरम सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पोहा है ना, इसलिए एकदम से नरम पड़ गया है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इस बैटर को करेंगे। तो लीजिए, हमने अच्छे से पानी मिलाते हुए इसको मिक्स किया है। तो करीब मुझे 1 कप के लगभग पानी और लग गया है और ये देखिए एकदम हमने गाढ़ा सा, या यूँ कह लीजिए थोड़ा सा पतला कर दिया है बैटर को। बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और साथ में हम इसको बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं तो हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का। बारीक कटी हुई हम इसमें डालेंगे गाजर, साथ में हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो ये भी मैंने 1 ही ली है। तो सब्जियाँ आप अपने हिसाब से जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं। और क्वांटिटी भी सब्जी की कोई फिक्स नहीं है, कुछ आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कुछ को कम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया है और तीखेपन के लिए हरी मिर्च डाल दी है। तो चलिए सब्जियों को भी जल्दी से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो इसे बिना तड़के के भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो तड़का डालेंगे इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं तड़का। तो यहाँ पर हमने एक तड़का पैन लिया है और इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने यानी कि राई, 1/2 चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद तिल, 1/2 चम्मच हम डालेंगे उड़द दाल और 1/2 चम्मच हम डालेंगे चना दाल। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और चुटकी भर हम इसमें हींग डाल देते हैं और आखिरी में हम डालेंगे करी पत्ता। ये सूखी करी पत्ता है ना, इसलिए मैं बिल्कुल बाद में डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो पहले भी डाल सकते हैं। अब इस तड़का को हम बैटर के ऊपर डालेंगे और इसको भी हम बैटर के साथ मिक्स कर देंगे। तो इस तड़का से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ता में। तो चलिए, मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो बैटर है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसको तो हम साइड में रख देते हैं जब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इडली का मोल्ड।
तो हम आज का नाश्ता इडली के मोल्ड में बनाएंगे। अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो इसे आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी। तो इडली मोल्ड की प्लेटों में हम ऑयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल आप लगा लीजिएगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, एक हमने यहाँ पर भगोना लिया है और इसमें हम 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और पानी को हम गर्म होने देंगे, यानी कि प्री स्टीम होने देंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट, क्योंकि बैटर ज़्यादा है तो हम पूरा 1 पैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पूरा सैशे हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट इसको नहीं फेंटना है। मिक्स करने के बाद हमने जो मोल्ड को ग्रीस करके रखा हुआ था 1-1 चम्मच भर करके हम इस बैटर को खांचों में भरेंगे। तो सभी खांचों में हम इसी तरह से बैटर को भर लेते हैं और बस एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेट्स में लगा देंगे। याद रखिए नीचे जो खांचा है उसके जस्ट ऊपर खांचा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसको घुमा दें प्लेट को, ठीक, यानी कि ऊपर जो खाली स्पेस है वो नीचे के खांचे के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। और अब हमने जो बर्तन रखा हुआ था स्टीम करने के लिए, पानी आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है और अब हम अपना इडली का स्टैंड इसके ऊपर रख देंगे और इसको ढक करके कम से कम 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब बात करते हैं जिनके पास इडली का मोल नहीं है वो क्या करें। इस तरह से कटोरियाँ हर किसी के घर पर मिल जाती हैं, कटोरी नहीं है तो मसालदानी में जो छोटी वाली कटोरी आती है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें बैटर को भरेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ज़्यादा बैटर तो नहीं बचा है, लेकिन जितना भी बचा है मैं थोड़ा थोड़ा करके इनके में भर देती हूँ। आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी भर सकते हैं, मतलब आधी कटोरी तक आप आराम से भर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा कम ही भरा है ताकि तीनों में अच्छे से हो जाए। इनको हम हल्का सा टैप कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इस तरह से एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना उसको भी उल्टा करके रख सकते हो और इन कटोरियों को हम इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे। याद रखिए कि पानी से ये कटोरियाँ टच नहीं होनी चाहिए। तो इनको भी हम ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको भी हम पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने नाश्ता बनाया हुआ है बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखिए थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए ये बाहर फैल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल जाएंगे। ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इनको चेक करने के लिए आप एक चाकू को बीचों बीच गपा करके चेक कर सकते हैं। अगर बैटर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि ये अंदर तक पक चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले तो आप चम्मच लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है चम्मच से निकालने का, इससे इडलियाँ जो बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। तो ये लीजिए पोहा का हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार। तो इसी तरह से आप सभी को निकाल लें। दूसरा, आप चाहे तो इस तरह से चाकू को घुमाते हुए भी इनको निकाल सकते हैं। ये लीजिए, तो ये बहुत ही नरम नरम बनी है। आप इन्हें पोहा बेज इडली भी बोल सकते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और हेल्दी तो बहुत होती हैं, तो इन्हें आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या दोपहर या शाम को भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी पोहा इडलियों को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी नरम नरम फूली फूली सी इडलियाँ बनी हैं। ये इडलियाँ बहुत ज़्यादा नहीं फूलती हैं, आप सोचें कि सूजी जैसी फूल जाएँ, क्योंकि पोहा जो है बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, ठीक है। तो अब हम इन कटोरियों वाली इडलियों को भी निकाल लेते हैं। तो किनारी को थोड़ा सा अलग करेंगे और इनको टैप कर देंगे। तो आप बिना इडली स्टैंड के इस तरह से जो है बेज पोहा इडली बना सकते हैं। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ मूंगफली की चटनी और सांभर के साथ। मूंगफली की चटनी कैसे बनाते हैं, सांभर कैसे बनाते हैं, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी सब कुछ शेयर किया हुआ है, तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ आपके साथ पोहा का ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता शेयर किया है, तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं। एकदम नरम नरम सी पोहा वेज इडली बन करके तैयार होंगी। आप चाहे तो इन्हें सीधे हरी चटनी के साथ भी खाएंगे तो आपको सांभर और मूंगफली की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करके देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।